भारत में भी ये समय के साथ विकृत हो गया। वैटिकन में ये जैसे कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है आमेन। सैकड़ों लोग सिर्फ ओम का उच्चारण करके दवाइयों की जरूरत से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। अगर आप बहुत डर लगने की वजह से परेशान हैं, तो हर दिन कुछ मिनट ओम का उच्चारण करने से आप में बहुत अंतर आएगा। किसी तरह की ध्वनि का उच्चारण करना है जीभ का इस्तेमाल किए बिना, तो आप किन ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप प्रयोग करके देखें। जीभ का इस्तेमाल किए बिना आवाज निकालने का प्रयास करें। हां, निश्चित रूप से आप आ कर सकते हैं। संभव है। अगर आप इन तीनों ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करें तो आप क्या पाते हैं? ये ओम नहीं है। अगर आप मुंह खोलकर हवा को बाहर निकालें तो वो आ बन जाता है। जब आप उसे बीच में बंद करते हैं तो वो ऊ बन जाता है। जब आप उसे बंद करते हैं तो वो बन जाता है। लगभग कोई भी जीव ये तीन ध्वनियां निकाल सकता है। अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, वे जम्हाई लेने पर क्या करते हैं? अगर वो अपना मुंह खोलते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है, आधे में वो ऊ और बंद करने पर उम हो जाता है। तो ये तीन मूलभूत ध्वनियां हैं जो उन सभी दूसरी ध्वनियों का आधार हैं जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं। उन्हें सर्वव्यापी ध्वनियां क्यों कहा जाता है? आज आधुनिक विज्ञान आपको बताता है कि समूचा अस्तित्व बस ऊर्जा का एक स्पंदन है। एक ही ऊर्जा अलग अलग रूपों में स्पंदित हो रही है जो उसे कई चीजों में बदल देती है। अगर समूचा अस्तित्व एक स्पंदन है तो जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी, है ना? जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी। तो यह संपूर्ण अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। ये एक तरह की ध्वनि है, वो दूसरी तरह की ध्वनि है। हर आकार की एक खास ध्वनि होती है। अगर आप ध्वनि को मापने वाले उपकरण ऑसिलोस्कोप में कोई ध्वनि डालें तो उसकी फ्रीक्वेंसी, विस्तार और ध्वनि के दूसरे आयामों के आधार पर वो एक खास आकार बनाती है। इसका अर्थ है कि हर ध्वनि से एक आकार जुड़ा होता है। इसी तरह हर आकार के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है।